नमस्कार आपण मानको आमर कार्यक्रम को स्वागत। बंचिबा पाई खाद्यर आवश्यकता रही सुस्थ भावे बंचिबा पाई गोटे पोषक तत्व खाद्यर आवश्यकता रही आवश्यकता शिशु ठारु आरंभ करी वयस्क पर्यंत समस्त पाखे रही थाए आउ एहा पूरण हेले देहरे रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ी थाए रोग दाउरु रक्षा मिलिथाए एवं शरीर तार गठन कार्य ठीक भावे करिथाए। एहाकु आखि आगे रखी प्रति वर्ष सेप्टेम्बर मासटिकु पोषण मास बा न्यूट्रिशन मंथ भाव पालन करा जाउची। सेही परिप्रेक्षीरे आजिर आमर आलोचना आलोचनार विषय वस्तु होउची उत्तम पोषण सुस्थ जीवन। यही आलोचना पे मो सहित दुई जन विशेषज्ञ आसी उपस्थित अछन्ति मु सेमानकु आपण मानक सहित परिचित करा देउची। मो सहित उपस्थित अछन्ति डॉक्टर प्रीतिश्री पाढ़ी जे कि डीन भाबे कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस ओयूटी भुवनेश्वर रे कार्यरत। मैडम आपनको हम कार्यक्रम को स्वागत एवं आम सहित उपस्थित अछन्ति डॉक्टर चित्रकला देवदर्शनी जे कि आमर असिस्टेंट प्रोफेसर भाबे फूड एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस ओयूटी रे कार्यरत। आपनको मध्ये हम कार्यक्रम को स्वागत। तबे आमे तो जानिचु जे सेप्टेम्बर मासटी को आमर न्यूट्रिशन मंथ बा आमर पोषण मास भाबे पालन करा जाउची। डॉक्टर पाढ़ी आपन को जानिबा को चाहिबो एई मासटी को एभली भाबे पालन करबा रो उद्देश्य कोन अछि यार ऑब्जेक्टिव्स सब कोन अछि। देखंतु आम देशर प्रगति रे सबुठारु बड़ बाधक होउची ए अपपुष्टि बा कुपोषण। आम देश सारा विश्व रे जदि देखिबा ताले लोकसंख्या दृष्टि यहाँ एक नंबर रे जीवो ता छड़ा अधिकांश लोक कृषि उपर निर्भरशील किंतु एमती नुहे जे ता माने आमर आजिकल माने कृषि रे बेसी होउनी किबा खाद्य उत्पादन भलरे होउनी। आम वैज्ञानिक मानक चेष्टा बल आम खाद्य उत्पादन करिवारे किछ पछे ना भलरे खाद्य उत्पादन होउची किंतु एहा समस्त पाखरे ठीक भावरे पहुँच पारुनी बा उपलब्धि हो पारुनी। या छड़ा जदि भी यह ठीक भाव में उपलब्धि होउची लोक मानक भितर से सचेतनता ना कि कौन खाइले आमको अपपुष्टि कुपोषण होबना से आम सरकार स्थिर करछंती प्रति वर्ष सेप्टेम्बर मासटिकु ए न्यूट्रिशन मंथ बा पोषण मास रूपे पालन करा जीवो जहाद्वारा कि विभिन्न प्रकार सभा समिति और प्रचार द्वारा आम लोक मानक मध्यरे खाद्य उत्तम पोषण और संतुलित आहार बा बैलेंस डाइट उपरे जागरण सृष्टि करि पारिबो। तबे कहिबाकु गले आमर खाद्य जथेष्ट परिमाणर अछि लोक मानक भितरे टिके सचेतनता सृष्टि करबा आवश्यक जदरा कि सेमाने ठीक भाबे खाइबा टिके खाइ परिबे एवं तांगा पाखरे ठीक मात्रा रे पहुँचिबा मध्य दरकार सेति पई लोक मानक भितरे गुडे सचेतनता सृष्टि करबा उद्देश्य रे एही मासटिको पालन करा जाउछि। तबे एही प्रश्न आसुछि आमर जो बैलेंस डाइट अपन कहिले संतुलित आहार आउ गोटे जो आम कहूँ पोषक तत्व खाद्य पोषक युक्त खाद्य तो सेगुड़ कौन मु आम चित्रकला मैडम को जानवाक चाहिए एगुड़ी कौन बैलेंस डाइट कौन आ पोषण तत्व खाद्य कौन। बैलेंस डाइट बा संतुलित खाद्य आमर यही खाद्य सब जो गुड़ाक आम शरीर में पोषक तत्व एवं आमको दैनंदिन कार्य करने शक्ति जगह थाए जदि आम सठिक मात्रा रे पोषक तत्व न पाइबा किंबा आम खाद्य रे पोषक तत्व सठिक मात्रा रे न नबा ताहाले आमर शरीर और कोशिकार गठन ठीक भावे हो पारिबो नाही। एहा छड़ा आमर विभिन्न प्रकार रोग मध्ये हेबो जथा मैडम कहिले जेमिति कुपोषण आनीमिया बा लौहसार जनित अभाव जनित रोग दुर्बलता आउ संक्रमण आदि हबार संभावना जथेष्ट मात्रा रे रहिछि। शिशु माने जो माने बढ़ुचंती किंबा बढ़ुथिबा बयसर शिशु मानंक क्षेत्र रे एही पोषक तत्व खाद्य मात्रा रे नबा निहाति जरूरी कारण एहा तांकर शारीरिक मानसिक एवं बौद्धिक विकास पई अत्यंत जरूरी। तेबे आपण जो कहले बैलेंस डाइट बैलेंस डाइट मैडम को जानिया को चाहिबे पाडी मैडम को तो जे बैलेंस डाइट कौन या भीतर मैडम तो कहले कौन बोली या भीतर केउ केउ खाद्य को आमे अंतर्भुक्त करि पाइबा। एमती देखा गले गोटे कि दुईटा खाद्य आमको बैलेंस डाइट मिले ना आम जदि आम जिते सब खाद्य अच्छी आम देखा तेल आपको आम दुई भाग में विभक्त करमती कि माक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट सो माक्रो न्यूट्रिएंट अंतर्गत खाद्य पदार्थ सब जहाँकि आम बेसी खावा उचित ता आम शरीर को शक्ति दिए आम जब चल प्रचल करूँ कामधंदा करूँ आम शक्ति से पाऊ से विषय आलोचना कले आसे आम पाख को श्वेतसार पुष्टिसार और स्नेहसार जातीय खाद्य यह आम शरीर पर बेसी परिमाण आवश्यक कहीं आम ताऊपर पूरापूरी निर्भर करपर आसला माइक्रो न्यूट्रिएंट
माइक्रोन्यूट्रिएंट माने जो खाद्य आमको कम परिमाण रे आवश्यक पड़ता है आम देह को सुस्थ रखा पाई सी हूँ विटामिन आ मिनरल्स धातव लवण सो एथिपाई आमको जो आम दिन को तीन थर कि चार थर खाऊ ता भितर आम जब गोटे साधारण काम करथिया लोक ताले आमको जेतिकी शक्ति बा कैलोरी दरकार जेतिकी प्रोटीन बा पुष्टिसार दरकार जेतिकी स्नेह सार बा फैट दरकार से अनुजाई आम जेमिति से खाद्य चारि विभाग को विभक्त कर खाइबू जमी सबूत आमको ठीक परिमाण रे मिलिबो ठीक परिमाण रे मिलिबो सेथिपाई आम खाद्य रे भात रुटी मुढ़ी चूड़ा ता सहित विभिन्न प्रकार फल फल मूल पनीपरिया शाग सब्जी डाली जातीय खाद्य माछ मांस अंडा क्षीर छेना सब खाद्य खाई जमी आम तादेहर यही सब पोषक तत्व पाइबु से खाद्य को आम बालान्स डाएट बा संतुलित आहार कहू जदि आम यह न खाइबु ताहले कौन हम ना आमको अपपुष्टि हम बा एनीमिया रे आम पिला माने सब पड़े तेबे कहिबाकु गले आमर जो मुख्यतः स्नेह सार पुष्टि सार आउ आमर श्वेत सार एगुड़िक आमको कार्य करिया पय शक्ति देथाय सेथिपय एगुड़िक आम अधिक परिमाण रे नबु एवं जो माने अधिक कार्य करुछन्ती से माने एई सब जिनिस गुड़िक अधिक परिमाण रे नेबे जो मानकर श्रम अधिक से माने श्वेत सार अधिक नेबे एई भलिया रहउछि एवं आमर जो उडाक खनिज धातु लवण एवं जो विटामिन्स एगुड़िक आमर आमर डेवलपमेंट पय बढ़िबा पय आमर एई सब जिनिस को रोग प्रतिरोधक शक्ति दबा पय आमे एगुड़िक नबु तेबे इए त रहिगला गुटिए मोटामोटी कथा एई सब जिनिस आम खाद्य रहा आवश्यक तेज ये जो बैलेंस डाइट रहा या गोटे लोक केमी खाइब केत खाइब केत परिमाण में खाइब गोटे दिन में गोटे लोक के खाइब केत परिमाण में खाइब केमी खाइब ये तो समस्त भी अलग अलग रोक कारण समस्ते तो गोटे वर्गर नुह गोटे बुढ़ा लोक जी खाइब गोटे पिला तो सी खाइबनी जो गर्भवती महिला जी खाइब जड़े वर्कर जी श्रमिक जी सी भी तो सी खाइबनी तो मुझे मैडम को जानवा को चाहिए चित्रा मैडम को गोटे लोक केमी खाइब केत खाइब के समय खाइब से विषय टी धारणा देवे देखु आम स्वास्थ्य आम हाथ में आम सुषम पोषण द्वारा सठिक भाव जदि आम सब खाद्य खाइबा ताहले आम स्वास्थ्यवान हो पारिबा आमर साधारणतः सकालर खाद्य मध्यम मात्रारे खरा बेलर खाद्य भरा पेट एवं रात्रि भोजन अल्प मात्रारे खाइबा उचित हैदराबाद स्थित आमर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन बा NIN गोटे सुस्थ व्यक्ति कौन खाइब किपरी खाइब तापी एक खाद्य चिट्ठा प्रस्तुत करिछंती जहार नाम होची माई प्लेट फॉर द डे तो सही माई प्लेट फॉर द डे अनुसार आम एबेका जुगरे वर्तमान जुगरे 50 भाग खाद्य आमर पनीपरिया एवं दैन फलमूल आदि रहिबा आवश्यक तो जोटा कि आमको रोग प्रतिषेधक शक्ति देव एवं शरीर को एंटीऑक्सीडेंट जोगाई देव बाकी जो 50 भाग रोची से 50 भाग रु आम 25 भाग श्वेत सार जातीय खाद्य जथा भात रुटी चूड़ा मुढ़ी क्षुद्र शस्य मिलेट्स इत्यादि द्वारा आम खाइबा उचित यह आम शरीर को प्रत्येक दिन कार्य करने शक्ति जोगाइब से हीपरि भाव बाकी जो 25 भाग रहिला सेथिरे आमे पुष्टिसार जातीय खाद्य जथा डाली माछ मांस अंडा क्षीर इत्यादि खाइबा जहाँकि आमर मांसपेशीर गठन एवं हाड़ वृद्धि सहायक हेब आ सहित आम प्रत्येक दिन 3 रु 4 लिटर पानी पीवा आवश्यक एवं किछिटा खाद्य अच्छी जमती चीनी लुण तेल आपको आम जिते कम मात्रा रे खाइबा भल कहीं यह परवर्ती पर्यायर मारात्मक रोग रे मारात्मक रोग कर आउ गोटे कथा आप पचारे आमर जो अच्छी पिला माने जो पिला माने हुवंतु किंबा किशोर किशोरी माने हुवंतु जो माने कंटिन्यूअसली डेवलपमेंट रे अछंती तो तांको पई खाद्य टिके अधिका रहिबो सेई भली भाबे गर्भवती महिला हैला किंबा स्तनपान कराउथिबा महिला से माने भी अधिक मात्रा रे खाइबे जो माने आमर वयस्क लोक अच्छा 60 वर्ष ऊर्ध लोक अच्छा से माने तो आउ बेसी परिश्रम कम करूना तेणुक जी दरकार से खाद्य खाइबे ता छड़ा आमर जो मैंने श्रमिक जातिर लोक अच्छा से माने अधिका खाइबे आम मैंने ये बसिक कथबार्ता हो तो आम मान खाद्य परिमाण कम अच्छी तो ये टाइप रमर खाद्य विभाग प्रत्येक लोकंर कार्य निजर बयस जीवनशैली रोग ये सब कुछ देखिक गोटे बैलेंस डाइट या हिसाब से खाइबा आवश्यक आम देश वर्तमान तो पुओ झीले फरक रोनी समस्ते समान प्रकार खाद्य खाऊ खाद्य भी आम जथेष उत्पादन होतु जमी पाढ़ी मैडम कहते सब लोक ठीक भाव में खाइबा पहुँच पारूनी लोक मैंने जापार ना कौन खाइबे तो ये गोटे रोगटे कहते आप एनीमिया रक्तहीनता रोगटे आसूची विशेषकर
आमर झीव मान युवती मान क्षेत्र में जो मैंने गर्भवती स्त्री लोक से पाखे और बहुत लोगों पाखे ये रक्तहीनता रोगटी आसूची एनीमिया तो ये रोगटी कौन यार लक्षण कौन या कहीं केते प्रकार होता है से विषय एमती देखा गले शरीर जदि हिमोग्लोबिन कम हो हिमोग्लोबिन को ओडिया आम लौह रक्त कणिका कहूँ जदि कम हो ताले शरीर में रक्त कम अच्छी जना जाए जदि आम रक्त कणिका कम अच्छी ताले मनुष कि लोक मान जहाँ पाखे रक्त कम थी शरीर रक्त कम थी से देखिए दिन सारा दुर्बल दुर्बल लगे कौन सी काम करने को सृहा आसवन सब चिड़चिड़ा लगे तो सब बड़े निद लगे जमी मुझे शोपड़ी कि एमती लगे तो एमती कौन सी बड़ कम से पारे ना कौन सी जोड़ा को हेवी कम बोली आम कहूँ ताको से चेष्टा भी करेनि कले बहुत दुर्बल लगे आदि टिके भी कौन कम करदे तेज़े से बहुत जोर निश्वास प्रश्वास ने जमीक देहर कौन गोटे हो जाए ये जो एनिमियाटा ये साधारण चार प्रकार ना ये जदि लौह कम है देहरे तार अभाव जनित जो एनिमिया देखा जाए से लोहित रक्त एनिमिया आउ जोटा को फोलिक एसिड कम गोटे देखा जाए रक्तहीनता आ गोटे जदि फोलिक एसिड सरलापर जब विटामिन बी ट्वेल्व भी आम देह कम हुए ताहले भी आम गोटे रक्तहीनता देखू आउ गोटे प्रकार रक्तहीनता अच्छी जोटा कि बापा माँ पाखु आसी था वंशगत बा जीन रु आसी था किंतु ये तीनो जो रक्त कणिका युवा आम खाद्य द्वारा सेटा को ठीक कर दे पारू जोटा कि साधारण खाद्य कि जो डाक्टर को परामर्श करवा मेडिसिन देवे आमर एटा भल जीवार अच्छे किंतु जोटा वंशगत कि जीन द्वारा आसी तो भल हेनी से रक्त कणिकार अभाव आम सारा जीवन रुख्यतः आम जब देखा जीवू गर्भवती नारी किशोरी युवती कि स्तनपान करा महिला मान बेसी एनिमिया देखा जाए तेज जोटा तो वंशगत तो ठीक कर हेनी कितु जो आर आर तीन प्रकार जो रोचे बी ट्वेल्व आमर फोलिक एसीड आ लौह रक्तकणिका जो अभाव जो हूँ एनिमिया तार कौन खाद्य खाद्य द्वारा तो ठीक हो पार चित्रा मैडम आप कहे कौन खाद्य आम दे ठीक हो पार आज्ञा मैडम कही चारि प्रकार एनिमिया मध्य प्रथम तीनो एनिमिया आमर खाद्य द्वारा किंबा बैलेंस डाइट चार्ट द्वारा आम ठीक कर तो हिमोग्लोबिन किंबा लोहित रक्त कणिका जोटा सेटा आम शरीर में अम्लजानर बाहक अटे तो जदि आम शरीर में अम्लजानर अभाव देखा ताहले आमको सबुबले हालिया लगे तो ये अम्लजान तैयारी हाँपाई आम केते गुड़ाक पोषक तत्व निहाती जरूरी जथा प्रोटीन हला देन लौह सार हला फोलिक एसिड विटामिन बी ट्वेल्व विटामिन सी विटामिन ए एगुड़ाक निहाती जरूरी तो आम खाद्य पोषक तत्व गुड़िक नेबा तो लौह सार जोटा अच्छे यहाँ दुई प्रकार अच्छे गोटे हूँ हिम आयरन जोटा कि केवल प्राणीज खाद्य रू मिले आउ गोटे हूँ नन हिम आयरन जोटा कि आम शाकाहारी खाद्य रू मिले तो प्राणीज खाद्य मांस है कलिजा जोटा कलिजा बहुत अधिक मात्रा लौह सार अच्छी कुकुड़ा मांस चूना माछ अंडा ये सब थे आमर बहुत अधिक परिमाण में लौह सार अच्छी से ही भाव नन हिम आयरन आमर सबुज पनीपरिया सजना शाग पालंग शाग ढिंकी कुटा चूड़ा गुड़ खजूरी कोली आउ फलमूल इत्यादि बहुमात्रा अच्छी ये आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा मुझे कह आयरन जो अच्छी किंबा लौह सार आमर शरीर अवशोषण होगापी विटामिन सी निहाती जरूरी आम जदि लौह सार खाऊे एवं ता संगे आम विटामिन सी नौचे जोटा कि आम लेंबू कि कमला जतीय फलमूल अच्छी तो ताहले जते आम अधिका लौह सार खाऊे से अधिका लौह सार आम बॉडी रे अवशोषण किंतु सही जगह रे जदि आम बहुत अधिका चा कॉफी इत्यादि पान करूचे तो लौह सार आम जिते ने आम बॉडी रे अवशोषण हेबो नाही तो लौह सार फोलिक एसिड से ही भाव में आम माछ मांस क्षीर अंडा ब्रोकोली बीन्स बीन छुई आउ आम चॉकलेट इत्यादि आउ क्षीर सब जगार अच्छी तो फोलिक एसिड मुख्यतः गर्भवती महिला मानों पर निहाती जरूरी कहीं माँ पेटर बढ़ुवा शिशुटीर संपूर्ण और सठिक शारीरिक विकास फोलिक एसिड अत्यंत गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण कै
आउ तृतीय आनीमिया होची विटामिन बी 12 आनीमिया बा तार अन्य नाम होची सियानो कोबालामिन एटा मुख्यतः शाकाहारी मानक क्षेत्र रे देखा जाए काहेकि ना विटामिन बी 12 रो कौनसी शाकाहारी रो उत्स नाही तो एटा केवल प्राणीज द्रव्य रु मिलिथाय माछ मांस दूध जातीय द्रव्य तो एथेरे विटामिन बी 12 थाय एही विटामिन बी 12 रक्त कणिका सहित स्नायु कोष गठन रे भी बहुत प्रमुख भूमिका ग्रहण करे तेणु करी एही विटामिन बी 12 रो डेफिशिएंसी हेले आमको साधारणतः जो प्राणीज खाद्य रु एटाकु खाइबाकु पडिबो आ संगे संगे जदि खाद्य रु एगुडा ठीक न होइ पारुचे ताहले डाक्टरक परामर्श अनुसारे आमे उपयुक्त सप्लीमेंटेशन तीनटा जाकर नै परिबा नै परिबे तबे मुख्यतः खाद्य रे आमे सेगुडीक तांको पाखरे जोगाइ देबा पई चेष्टा करबा जदि न होला डाक्टर जहा कहबे से जिनस आमे करि परिबा तबे आउ गोटे बड समस्या आमर देखा जाउची आम देश रे आम राज्य रे जोटा कि आम अपपुष्टि कहूँ बा माल न्यूट्रिशन कहूँ विशेषकर छोट पिला मानकु आगुरु तो बस्ती जोटा स्लम रे इसबु रोग गुड़िक बेसी रहउतला तथापि सहरांचल रे मध्य इसबु रोग होउची जोटा को आम माल न्यूट्रिशन कहूँ अपपुष्टि कहूँ ए अपपुष्टि कौन एटा काहे कि होउची से विषय रे टिके जानिबा को चाहिबो आजिकालि ए अपपुष्टि आकु आम दुई भाग रे विभक्त करि पारिबा प्रथम भागटी है अपपुष्टि जहाँकि निम्न मध्य निम्न कि मध्यवित्त परिवार पाखे बेस देखा जाए यह देखा जीवार कारण है जोटा मुझे आगुरी भी कही से माने जो बालांस डाएट बा संतुलित आहार कौन कौन खाइले से आम पाई आसीपार आमको मिल पार से जाणि न था द्वितीय रे जो भल भल खाद्य जोड़ा कहले माछ मांस अंडा माडम जोटा कहले क्षीर जातीय खाद्य एगुड़ा से सबुदे उपलब्ध हुए ना तेणु अपपुष्टि हवा स्वाभाविक तेणु अपपुष्टि हुए तो जदि आम से अपपुष्टि को दूर करने चाहिबा कि आजिकल बहुत प्रकार योजना मान सरकार द्वारा प्रणोदित होली अंगनवाड़ी देखा गले पाटे पेटर रहा पाखु आरंभ कर छुआ बड़ा पर्यंत सब बेले खाद्य दि जाऊँच सप्लीमेंटरी न्यूट्रिशन स्कूल मान कर दि जाऊँच अंगनवाड़ी अंगनवाड़ी भी दि जाऊँच स्कूल भी दि जाऊँच माँ टी गर्भवती है अंगनवाड़ी आशाकर्मी सब आणिक घरे भी दे जाऊँच छतुआ अंडा एगुरा सब दे जाऊँचा आम अपपुष्टि को कते परिमाण रे कमे जाई पारछु किंतु द्वितीय प्रकार जो अपपुष्टि हेला सेटा होची मेद बहुलता बा ओबेसिटी एही प्रकार अपपुष्टि साधारणतः मध्यवित्त और उच्च आय वर्ग परिवार को मध्यरे देखिवा को मिले एही अपपुष्टि रु रक्षा पाइबा पई बहुत आमको बहुत कष्ट करिवा को पड़िवो काहेकि ना आजकल पिला माने जो माने कि बेसी फिजिकल एक्सरसाइज बा खेल कूद करूना बेसी एनर्जी किसी नष्ट हो द्वितीय से माने विभिन्न प्रकार पैकेट खाद्य जंक फुड खाऊंट आ सब बस कि टीवी देखिले कि मोबाइल रे चैटिंग कले ये सब करने द्वारा मेद बहुलता बढ़ी जा मेद बहुलता बढ़िया द्वारा शारीरिक तथा मानसिक ये वृद्धिटा जमान ठीक से हो ता छोड़ा जदि मेद बहुलता बेसी समय पर रहा ताहले ये बहुत लाइफस्टाइल डिजीज बा आम जीवन चर्चा द्वारा होगा रोग को डाकि आणुची से आम आई प्रथम रूप विशेष दृष्टि देवा आवश्यक तेरे ये आम गोटे कथा भी जान लु आम समस्त प्राय धारणा थाए खाद्य कम हो गले केवल माल न्यूट्रिशन हुए ता नुह ओबेसिटी रही मेद बहुलता रहा जोटा को आम ओवर न्यूट्रिशन भी आम कहीपर केवल अंडर न्यूट्रिशन जे माल न्यूट्रिशन ता नुह ओवर न्यूट्रिशन माल न्यूट्रिशन जोटा ओबेसिटी रोचे लोक भूल खाद्य को बाछुं जो जंक फुड बाछुं खाइबा द्वारा मध्य माल न्यूट्रिशन आमर हो तेबे आपण गोटे कथा कहले जे आमर लाइफस्टाइल डिजीज जोटा आजिकल बहुत घरे घरे होची लाइफस्टाइल डिजीज रोची जोटा उच्च वर्गर लोक मानक अधिकांश होची जो माने खाद्य खाऊंट किंतु कौन खाद्य खाऊं तार ठीक भाव से जानी पा ना तेरे लाइफस्टाइल डिजीजा कौन एटा कहीं हुए से विषय टी चित्रा मैडम कहे लाइफस्टाइल हाँ देखो लाइफस्टाइल शब्द अर्थ हूँ जीवनशैली तो लाइफस्टाइल डिजीजेस मानते जीवनशैली जनित रोग जहाँ मान हूँ जदि आम इंग्राजी में कह द वे वी लीड आवर लाइफ तो आम कि भाव दिनचर्या करूचे वर्तमान कार्यव्यस्तता सहजरे मिलुथिबा बजारर खाद्य किंबा होटल खाद्य निद्राहीनता फिजिकल इनआक्टिविटी मानसिक चाप किंबा अधिक मात्रा रे लोक माने धूमपान करुछंदी किंबा मद्यपान करुछंदी एवं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और प्रदूषण ए सब होउची लाइफस्टाइल डिजीज रो मुख्य बाहक
तो यही लाइफस्टाइल डिजीज साधारणतः आकु आमे अणसंक्रामक रोग बा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी कहिथाउ। तो यही लाइफस्टाइल डिजीज मध्यरे आमर मुख्यतः आसुची मेदबहुलता, मधुमेह रोग, आउ आसुची उच्च रक्तचाप रोग, हृदघात बा हार्ट अटैक, स्नायुघात बा ब्रेन स्ट्रोक, कॉन्स्टिपेशन और कोष्ठकाठिन्य, यही सब रोग गुड़ाक साधारणतः भाव लाइफस्टाइल डिजीजेस भाव बर्तमान परिचित। तेबे ए बर्तमान ए लाइफस्टाइल डिजीज टी सबुठारु बड़ आम पाई समस्या, कारण घरे घरे ये सब जिनस रहुची, जेते आमे एडवांस होचू जेते बढ़िबाकु जाउचू लोकंकर खाइबार रुचि भी बदली जाउची, जंक फूड कहउचंती, मैदा जातीय जिनस खाउचंती, पिज्जा बर्गर एगुडिक पिला माने भल पाउचंती, चिप्स खाइबाकु भल पाउचंती, ए सबुरे ए भले जिनस बढ़ुची जोटा कॉन्स्टिपेशन कहले, हार्ट डिजीज कहले, ए सबुर आमर हाइपरटेंशन एगुडाक बढ़ी चलची। तबे ए जो लाइफस्टाइल डिजीज को किभली ठीक करा जाई परबे, कोन खाद्य खाइले से माने ए सब जिनसरु दूरी परबे, डॉक्टर पाड़ी आपन तो जानिबो से विषय रे। एमिते देखिया को गले ए लाइफस्टाइल डिजीज जुडा को आजकल युग रे एते अधिक होउची, काई ए वयस्क मान को बे होउची, हां वयस्क को होउची किंतु पिला मान को पाखरे बे देखा जाउची, एमिते 25 वर्ष 30 वर्ष रो पिला मान को बे हार्ट अटैक होतो, वयस्क मान को डायबिटीज हाइपरटेंशन हार्ट अटैक ए गुडा को होउची, आजकल 25 वर्ष 30 वर्ष रो पिला मान को बे हार्ट अटैक होवार रो उदाहरण अछि। तो एसब को जदि आम दूरेवा चाहिबा तो लाइफस्टाइल डिजीज माने आम लाइफस्टाइल मा जीवनशैली जीवन जीवनशैली को पूरा आमको बदलवा को पड़िबो। तो प्रथम कह गले आमको एक श्रृंखलित जीवन जाप करिया को पड़िबो। सकाळ आम ठीक समय उठिबा, आम नित्यकर्म ठीक समय सारिबा, तापरे व्यायाम जति समय करिया कथा करिबा, तापरे आम पढ़ापढ़ी कलु स्कूल किंबा कॉलेज को गलु, पुणी घरे तयारी जोटा कि घरे तयारी खाद्य जोटा कि बहुत फ्रेश मैंने सतेज हो से खाद्य आम खाइबा। दरकार पड़े आम छोट बाड़ी रे छोट पोषण बगीचा गोटे कर तटका फल मूल पनीपरिया शाग सब्जी सब आणी निजे घरे कले द्वारा आम जो आजिकल मार्केट में मिलूँ जो सार कीटनाशक औषध से भी आम रक्षा पाई आम खाइबा सब निजे तैयारी करम तेल मसला से धला रंग कौन सी खाइबा जमीक आम चीनी लुण मैदा ए टाइप रो खाइबा को आम बहुत कम करवा कहीं द्वारा बहुत प्रकार रोग हुए ता छड़ा ये कोष्ठकाठिन्य भी एक उदाहरण उदाहरण तेनाली आम जमारू प्रश्रय ही दबा ना तपर जत समय पारा आम आक्टिव रहा आम जमी खेलकूद नक घर भितर आम पर बापा माँ का सांगे कथबार्ता करवा खुशी मन खुशी रहा चाहिए। द्वितीय हूँ रात आजिकल पिला रात अधा रात शेष जाए पाठ पढ़ु ना आमको रात छत घंटा निद्रा जावाक पड़ो विश्राम आम नवा उचित या नक द्वारा आम पूरा जो नेचर दे गिफ्टा जो सका जो देखा आम सका सूर्य देखा सका परेश मनोरम परेश एंजय करें तेनाली जीवन धारण कले जीवन जापन कले आम लाइफस्टाइल डिजीज ठार प्रथम दूरे जापर तो आमको नेचर गोटे सुंदर परेश से परिवेश टी आम उपभोग करवा निजे जहाँ निज बाड़ी में रासायनिक सार व्यवहार नक जो पनीपरिया हूँ फल ताकू खाइबा लुण तेल मैदा ये सब कुछ यथा संभव एवॉइड करवा तेल को भी कम तेल मसला कम करे निजे रांधिक खाइबा जोद्वारा कि स्वच्छ रही पार सफा सुतरा रही पार आन भल रखा यही सब जिनस रहा। तेज मुझे आम दर्शक मान आज ये कार्यक्रम आम करता उद्देश्य संपर्क में किसी कह जो मासे सेप्टेम्बर मासटी को आम पोषण मास हिसाब से पालन करुच आरो मुख्य उद्देश्य हूँ जन आंदोलन लोकों पाखे आम जहाँ भी सब सचेतनता कार्यक्रम अच्छे जमी आनीमिया है शिशु अभिवृद्धि केते मात्रा रे होची परिवेश माटी रो जत्न करिबा सुषम खाद्य कहिबा यही सब आरो आभिमुख्य रही आभिमुख्य को लेकिन सब सरकारी अनुष्ठान बेसरकारी अनुष्ठान जो मैंने स्वास्थ्य एवं पोषण सहित जड़ित से मैंने विभिन्न प्रकार कार्यक्रम करुछंती वक्तृता कंपिटिशन करुछंती विभिन्न प्रकार जो मिलेट्स रो रेसिपी डेवलपमेंट करुछंती बड़ बड़ बाहर न्यूट्रिशनिस्ट मान को डाक वर्कशॉप सेमिनार इत्यादि ऑर्गेनाइज करुछंती। तो यार मुख्य उद्देश्य हूँ प्रत्येक लोक आ विषय में सचेतन हेबे तेरे सचेतनता निहाती दरकार एवं कॉलेज स्कूल मानक विभिन्न प्रकार कंपिटिशन होमर ये कार्यक्रम यहीसब गोटे जिनस तेरे ये जो रही गोटे साधारण लोकपाई कौन खाद्य गोटे लोक सका सन्ध्या पर्यटन खाइब संक्षेप कह
ସକାଳୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ନେବା। ପ୍ରତି 20 କେଜି ଆମର ଓଜନରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲିଟର ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ପାଣି ପିଇବା, ମୃଦୁ ପାନୀୟ ପିଇବା ନାହିଁ, ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ମୃଦୁ ପାନୀୟ ପିଇବା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ମୃଦୁ ପାନୀୟ ନ ପାଇବା, ଆମେ ପାଣି ପିଇବା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆମେ ଘରେ ଯେତିକି ଆମର ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ଚୁଡ଼ା ମୁଢ଼ି ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ଆମେ ମାନେ ଖାଉଥିଲେ, ତ ତାକୁ ଯେଉଁଟା ଆମର ICMR NIN ସଜେଷ୍ଟ କରିଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆମର ସକାଳର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା। ଖରାବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଭାତ, ଡାଲି, ଶାଗ, ଟିକେ କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ ହେଲା, କିମ୍ବା ତାପରେ ଭଜା, ଡାଲମା, ଅଣ୍ଡା, ସବୁଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ହଁ, ସବୁଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଆମର ପେଟ ଭରେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଆଉ କନଷ୍ଟିପେସନ ହେଲା, ଓଜନ କମାଇବା, ଏସବୁ କମାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହାୟକ ହୁଏ। ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବଜାରରୁ ନ ଆଣିକି ଆମକୁ ଯଦି ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ମକା ସିଝା ଖାଇବା, ଗଜା ମୁଗ ବୁଟ ଖାଇବା, ଖଜୁରୀ କୋଳି ଖାଇପାରିବା ମିଠା ବଦଳରେ, ଆକୁ ଖାଇବା। ଏବଂ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ଯେହେତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଆମେ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଖାଇବା, କାହିଁକିନା ଆମର ରାତିରେ ଖାଇଲା ପରେ ଆଉ କୌଣସି କାମ ନାହିଁ, ଆମେ ଖାଇବା ଏବଂ ଶୋଇବା। ତ ଶୋଇବାର ମିନିମମ 3 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଆଉ ଯେତେ ଦରକାର ଅଳ୍ପ ଖାଇବା। ତେବେ ଆପଣ 2 ଜଣ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିଲେ, ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇଲେ, ଆପଣ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଶରୀର ଯାହା ଖୋଜୁଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇପାରିବା ତେବେ ନିରୋଗ ରହିବା, ଅଯଥା ଔଷଧ ଉପରେ ଆମକୁ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆମେ ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ନିରୋଗ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବା। ଗୋଟିଏ ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ୍ ନେବା, ସୁନ୍ଦର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାଟିଏ କରିବା, ଦେଖିବେ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ଏହା ହିଁ କାମନା କରିବା। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠାରେ ସାରିବା। ନମସ୍କାର।